आज के दौर में पेट दर्द होना आम बात हो गया। पेट दर्द आखिर क्यों होते हैं? बच्चे, जवान, बूढ़े सभी को होते हैं। इसका आखिर मेन कारण क्या है? तो चलिए आज की वीडियो में आज हम पेट दर्द के बारे में ही जानेंगे। इसके बारे में स्थिर से और विस्तृत जानकारी देंगे आज। फ्रेंड्स, पेट दर्द होने का मुख्य कारण दूषित भोजन का सेवन, गैस, एसिडिटी, दस्त, कब्ज, पेट में अल्सर इत्यादि हो सकते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, दूषित भोजन, दूषित जल के उपयोग करने पर आसानी से डाइजेस्ट यानी हजम नहीं कर पाता है। हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो यानी दूषित भोजन को आसानी से नहीं हजम कर पाते हैं। डाइजेस्ट सही से नहीं होने के कारण जो गैस एसिडिटी को उत्पन्न कर देती है, पेट दर्द होने का जो मुख्य कारण बन जाती है। ऐसे पेट दर्द दवाई के उपयोग से कुछ ही समय में आराम मिल जाता है, लेकिन पेट दर्द लगातार अधिक समय तक हो रहा हो तो ऐसे पेट दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेट के अलग अलग हिस्से में हुआ दर्द। बायां तरफ लगातार पेट दर्द हो तो यह किडनी संबंधित रोग हो सकता है या किडनी में पथरी बनने के कारण भी दर्द हो सकता है। अगर बायां साइड में ऊपरी हिस्सा में दर्द हो रहा हो तो दस्त कब्ज के कारण हो सकता है। दाहिनी ओर लगातार अधिक समय तक दर्द होने वाला दर्द जो है अपेंडिक्स से संबंधित हो सकता है। दाहिनी ओर महिलाओं के गर्भाशय की समस्या के कारण भी दर्द होता है। पेट के बीचों बीच दर्द होने का कारण पेट में अल्सर, गैस, दस्त कब्ज और अम्लीयता, ये सभी कारण हो सकता है। पेट में ऊपर की ओर और यानी छाती से ठीक नीचे की ओर होने वाला दर्द एसिडिटी के कारण हो सकता है, लेकिन आपको अगर लगातार पेट में दर्द हो रहे हैं तो आपको जो है 100% पहले सबसे पहले आपको जांच करने चाहिए कि आखिर ये जो है लगातार पेट दर्द क्यों हो रहे हैं या भयानक पेट दर्द क्यों हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। सबसे पहले इसको जांचना चाहिए, तभी जाके इसका सही ट्रीटमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, कृमि की वजह से भी कभी कभी भयानक दर्द होते हैं। पेट दर्द जो है बहुत काफ़ी भयानक होते हैं और लगातार कई समय तक होते हैं, जो परेशान कर देते हैं। कभी कभी नर्वस जैसे सिस्टम में आ जाते हैं कृमि की वजह से हुआ दर्द। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ खाने पीने के बाद अगर आपको गैस होने का लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उसके बाद आपको जो है पेट दर्द कर रहे हैं तो इसमें जो है आप ओमेज कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। दो कैप्सूल लीजिए ओमेज, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, और आप कोई भी स्पास ग्रुप में ले सकते हैं टेबलेट, जैसे कि मेप्टल स्पास, नोबल स्पास और सुपर स्पास कोई भी ले सकते हैं। पेट दर्द दूर करने के लिए आप ये तीनों में कोई एक ही टेबलेट ले सकते हैं, चाहे आप नोबल स्पास लीजिए या मेप्टल स्पास लीजिए या सुपर स्पास लीजिए, लेकिन आप जो है ओमेज यानी ओम प्राजोल जो है कैप्सूल तो लेना ही होगा इसके साथ में। सुपर स्पास पेट दर्द दूर करने के लिए काफ़ी अच्छे जाने जाते हैं, लेकिन यह सुपर स्पास टेबलेट में जो है कंपोजिशन कुछ चेंज हो गया है, जैसे कि ड्रोटावेरिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइक्लोफेनेक पोटेशियम है। मेप्टल स्पास भी जो है पेट दर्द दूर करने के लिए काफ़ी अच्छे टेबलेट हैं। मेप्टल स्पास में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है मेफेनामिक एसिड एंड डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड है। नोबल स्पास भी पेट दर्द दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि नोबल स्पास जो है ये सभी मतलब मेप्टल स्पास और सुपर स्पास से थोड़ी महंगी है, इसलिए जो है नोबल स्पास भी पेट दर्द दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। और नोबल स्पास पीरियड के दर्द भी दूर करने में बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं इसमें। नोबल स्पास में कंपोजिशन की बात करें तो ड्रोटावेरिन, HCl यानि हाइड्रोक्लोराइड एंड निमोसलाइट है। पेट दर्द दूर करने के लिए पेरेस्टामोल टेबलेट का भी उपयोग किया जाता है, प्लेन पेरेस्टामोल टेबलेट का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सिचुएशन देखने के बाद होता है, क्योंकि कभी कभी पेट दर्द कई टाइप के होते हैं तो उसमें जो है पेरेस्टामोल सही होगा या नहीं होगा वह जो है पेशेंट का मतलब सिचुएशन देखने के बाद ही पता चलेगा। ओमेज कैप्सूल में जो है कंपोजिशन जो है ओम पारजोल है, जैसे कि गैस दूर करने के लिए, गैस एसिडिटी दूर करने के लिए पेंटाप्राजोल भी होता है, ओमप्राजोल भी होता है,
ये सब गैस स्थिति दूर करने के लिए है। इसलिए जो है पेट दर्द दूर करने के लिए जो है आपको गैस दूर करने के लिए कैप्सूल तो लेना ही होगा, चाहे आप ओमेज लीजिए या आप पेंटब लीजिए या पेंटब डीएसआर लीजिए या ओमेज डीएसआर लीजिए, वो हाई लेवल का हो गया। कोई सवाल हो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको आसानी से मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।